जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में आज मध्य पुष्कर, जो कि पुष्कर क्षेत्र से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पहुँच कर टीम द्वारा पवित्र जो मध्य सरोवर है, मध्य पुष्कर है, उसकी सफाई की गई। बूढ़ा पुष्कर रोड स्थित मध्य पुष्कर में पुलिस मित्र टीम ने चलाया सफाई अभियान। हर रविवार को पुष्कर के अलग अलग स्थानों पर प्रशिक्षु आईपीएस सुमित मेहरदा के नेतृत्व में पुलिस मित्र टीम चलाती है सफाई अभियान। ब्रह्मनगरी पुष्कर राज में हर रविवार की भांति इस रविवार को भी बूढ़ा पुष्कर रोड स्थित मध्य पुष्कर में पुलिस मित्र टीम द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। सुबह 6 बजे पुलिस मित्र टीम इंचार्ज अमित भट्ट के नेतृत्व में राजेंद्र वच्छानी, सांवरा शर्मा, विष्णु प्रकाश बाकोलिया, कैलाश कुमावत, युवराज सैनी, योगेश रेड्डी, सुनील बाकोलिया, मुकेश देवड़ा, जयप्रकाश, अजय नाथ, अभिषेक शर्मा व अन्य लोगों ने मध्य पुष्कर पहुंचकर सफाई अभियान की शुरुआत की। पुलिस मित्र टीम द्वारा मध्य पुष्कर पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन करके शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात बिना समय गंवाए सफाई अभियान शुरू कर दिया गया। मंदिर के चारों ओर बड़ी मात्रा में कटीली झाड़ियाँ, प्लास्टिक की थैलियाँ सहित गुटखे के पाउच व नमकीन चिप्स की थैलियाँ बिखरे होने से सफाई अभियान की शुरुआत वहीं से की गई। पवित्र कुंड से करीब 15 बड़े कट्टों में कचरा उठाकर बाहर निकाला गया। पुलिस मित्रों ने मध्य पुष्कर के कुंड को 3.5 घंटे के अथक परिश्रम से पूरा साफ कर दिया। अमित भट्ट ने बताया कि हर रविवार को पुलिस मित्र टीम द्वारा स्वच्छता अभियान का उद्देश्य आमजन को साफ सफाई हेतु जागरूक करना है। कोरोना महामारी के कारण प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो अपने आसपास गंदगी ना रखे, साफ सफाई करता रहे। भट्ट ने पुष्कर वासियों को भी स्वच्छता अभियान में अधिक से अधिक जुड़ने को कहा, ताकि हमारा तीर्थ साफ व स्वच्छ रह सके। जी, आज सुबह पुलिस मित्र टीम द्वारा स्वच्छता अभियान का आगाज किया गया। आप सभी को ज्ञात है कि हर रविवार को पुलिस मित्र टीम द्वारा पुष्कर के अंदर स्वच्छता अभियान करके जन जागृति का एक उद्देश्य दिया जा रहा है, साथ ही साथ जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में आज मध्य पुष्कर, जो कि पुष्कर क्षेत्र से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पहुँचकर टीम द्वारा पवित्र जो मध्य सरोवर है, मध्य पुष्कर है, उसकी सफाई की गई। साथ ही साथ वहाँ बिखरी हुई जो गंदगी थी और जो कुछ भी प्लास्टिक की थैलियाँ और गंदे कपड़े और ये थे, उन्हें हटाकर और पूरी तरह से साफ और स्वच्छ किया गया।